अरे यार इतनी कैंपिंग क्यों? अरे घर बसा लो ना अपना, वहां पर चाय पानी ले आता हूँ, सुट्टा भी ले आता हूँ, संभाल सारे काम कर लेना, वहीं पर चिलिंग मचा लेना। ये क्या मतलब होता है? ऐसा कौन बैठता है? कौन था? अबे जब पनिशमेंट मिलती है ना तब भी मैं ऐसा कोने में नहीं बैठता अपने घर के। तो भाई कैसे हो सब लोग? यार उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, और अगर बढ़िया नहीं हो यार बहुत जल्दी बढ़िया हो जाओगे। सबसे पहले तो भाई ये बता दो, अगर तुम लोग अभी रैंक पुश कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि भाई मुझे अभी तक मतलब मेरे साथ कोई कर रहा होगा, पता नहीं कौन सा वीक चला हुआ है, लेकिन भाई मुझे तो टाइम नहीं लग रहा यार, इसीलिए मैं बहुत कम गेम खेल पा रहा हूँ। तुम जरूर से अपना बता देना अगर कर रहे हो तो, कौन सा टीयर चल रहा है एंड कौन सा मतलब तुम्हारा रैंक चल रहा है। ठीक है, तो मैं अपनी बात कर लूँ तो A*3 पे मैं अभी हूँ एंड मेरा 1100 के आसपास रैंक चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन भाई दिक्कत ये हो गई है कि हमारा मतलब जो है नूब लॉबी मिलना स्टार्ट हो गया एंड उसमें क्या हो रहा है कि हमको प्लस नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब इतना हैकर वगैरह आ रहे हैं ना, मतलब अभी पहले नहीं आ रहे थे सीजन के स्टार्टिंग में, जैसे ही भाई नूब लॉबी मिलना स्टार्ट हुई हैकर भी आ गए भाई साथ साथ में, पता नहीं क्या नशे हैकर्स के, भाई पहले नहीं आ सकते थे क्या, अब आ रहे हैं। ठीक है, तो उसी चक्कर में क्या कि भाई स्कूल पे मेरा एक दो बार हैकर्स ने माइनस लगवा दिया, इसलिए मैं स्कूल पे नहीं जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि भाई प्लस भाई होता नहीं है अब नूब लॉबीज में, क्योंकि भाई पहले ये था ना कि स्कूल पे अगर मैं मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस रिकवर कर लेंगे, लेकिन अब भाई माइनस रिकवर होता ही नहीं है, कहाँ से होगा भाई जब प्लस नहीं होगा, माइनस 50-50 दे देते हैं एंड प्लस देंगे 5-5 भाई, तो कैसे माइनस रिकवर होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं आ जाता हूँ भाई अपना मतलब पुराना वाला जो ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, तो इस गेम प्ले में भाई तुमको मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई उतना ज़्यादा अच्छी लॉबी नहीं है, उतनी ज़्यादा बुरी लॉबी भी नहीं है। ठीक है, तुमको पता चलेगा कि भाई प्लस कैसे मिलता है ज़्यादा। ठीक है, तुमको बस भाई यही करना है, किसी सेफ जगह उतरना है। ठीक है, तुम अगर मेरी तरह जैसे मैं पहले बोलता था कि भाई हॉट ड्रॉप भी ले सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें अच्छे खासे किल्स निकालने हैं तो, लेकिन भाई हैकर्स भाई नहीं करने देंगे यार, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं करने देंगे। इस गेम में भी भाई कुछ ऐसा ही है। ठीक है, मैं स्कूल पे नहीं उतरा था, अभी प्लस तो मुझे अच्छा खासा मिलेगा, वो तुमको लास्ट में देखना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी जा रहा होता हूँ इस शैक में, ये शैक बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब मैं लूट कर रहा होता हूँ उतने में भाई थोड़ी देर में मुझे आ जाते हैं फुटस्टेप्स। ठीक है, अब भाई जैसे ही मुझे फुटस्टेप्स आए तो मैं यहाँ पे रुक गया बिल्कुल, मैं सामने वाले बंदे को अपने फुट नहीं देना चाहता था। ठीक है, मुझे लगा कि भाई उसको मेरे बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो गया, स्टैचू बन गया। तो देखो भाई इस बंदे को कैसे मारते हैं। तो भाई मैं फालतू में ही डर रहा था इस बंदे से, ये भी मतलब मेरी तरह ही कोई रैंक पुशर था। ठीक है,
तो यार एक चीज़ और यार, अगर तुमको आज मेरा मतलब बैकग्राउंड, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रहा हो, मतलब कुछ भी, मतलब वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मेरा जो ईयरफोन नहीं बोलते यार, माइक जो था वो ख़राब हो गया, पता नहीं यार काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है, मैं जल्दी से ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो मैं आ जाता हूँ स्कूल पे, ठीक है, स्कूल तुमको पता अपने भाई का फेवरेट है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ, यहाँ पे मैं टीवीपी लेने लग रहा हूँ, मुझे फुटस्टेप्स आ जाते हैं एक बंदे के, तो मैं समझ जाता हूँ कि सामने भी एक बंदा है जो टीवीपी ले रहा है। अब भाई मुझे पता कि भाई बंदे कहाँ पे टीवीपी लेते हैं, तो मैं वहाँ से आगे नहीं गया, क्योंकि अगर मैं वहाँ से आगे जाता तो वो बंदा मुझे इजिली किल कर देता। यही होता है भाई एक्सपीरियंस, तब भी मैं बोलता हूँ कि एक जगह जाया करो, ठीक है, एक ही जगह जाओगे तुमको सब पता होगा। अभी अगर मेरी जगह कोई और बंदा हो तो वो सामने में ओपन में भाग जाता और वो बंदा उसको पेल देता है, लेकिन मुझे पता है कि भाई कहाँ पे मैं टीपीपी लेता हूँ तो बंदे भी कहाँ पे टीपीपी ले सकते हैं, इसलिए मैं वहाँ से आगे नहीं गया एंड मैं वापस आ गया, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे आ गया। अब मुझे पता है कि भाई वो बंदा वहाँ पे है, मैं उसको फुल इग्नोर करूँगा, फुल इग्नोर, क्योंकि भाई सर्वाइव करना है यार मुझे, ठीक है, प्लस नहीं मिलता ऐसे। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा, सामने बिल्कुल एक ताज़ा ताज़ा ड्रॉप हो, बिल्कुल ताज़ा ड्रॉप, ठीक है। अब तुम बोलोगे लूटने क्यों नहीं जा रहा, मैं लूटने इसलिए नहीं जा रहा भाई क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्विमिंग पूल में भी एक बंदा है, ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले स्विमिंग पूल से भी मतलब फायरिंग की साउंड आई थी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। लेकिन भाई सामने, मुँह के सामने ड्रॉप हुआ तो भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता भाई, मुझे ना मुझ में बहुत चुल है, ठीक है, पेशेंस नहीं है, मतलब मैं बोलता जरूर हूँ अपनी वीडियोज़ में कि पेशेंस रखा करो, लेकिन मुझ में नहीं है, ठीक है। सामने ड्रॉप हुआ होता है, पेशेंस होता भाई तो अभी तक कब का कॉन्कर हो चुका होता है, ठीक है, मैं वही तुमको बोलता हूँ कि अगर कॉन्कर करना है तो पेशेंस रखा करो, ठीक है, लेकिन भाई मेरे में नहीं है। तो भाई जब मैं ड्रॉप लूट रहा होता हूँ, भाई ड्रॉप देखो कितना लकी ड्रॉप है भाई, तुमको मिला ऐसा ड्रॉप कभी क्या, AWM विद ए टैक्स ड्रॉप में ही आ गया, ठीक है, मजे आ गए भाई इस ड्रॉप को लूट के। तो लेकिन भाई ये AWM ऐसे ही मिली, मतलब इस गेम में इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा, बस मिल गई दिखाने के लिए, मतलब यूज़ नहीं हो पाएगी, किल नहीं हो पाएगा इसका कोई भी, लेकिन बहुत बुरा लगता है ऐसा जब भी होता है ना कि ओम हो एंड उसको तुम यूज़ ना कर सको, ठीक है। तो वही सीन कुछ इस गेम में भी होने वाला है, लेकिन छोड़ो कोई नहीं। अब मैंने तुमको बोला था ना कि एक बंदा है जो वहाँ पे टीवीपी ले रहा है, जिसको मैंने फुल इग्नोर मारा हुआ था, ठीक है, वो बंदा अभी तक भी है। अब देखना यहाँ शैक में एक बंदा आएगा, ठीक है, वहाँ पे शैक में गाड़ी लगी है, मैं भाई इसको मारता, इससे पहले ही सिल्क गेमिंग YT नाम का बंदा जो कि यहाँ पे TPP ले रहा था, स्कूल वाला बंदा था, ठीक है, उसने इस बंदे को DP से मार दिया, ठीक है। अब मैं समझ गया कि भाई बंदा यहीं पे है। तो अब जितनी देर में वो बंदा फायरिंग दे रहा था, उसके फुटस्टेप्स, मतलब उसकी फायरिंग के बीच में ही मैं यहाँ पे आ गया, ताकि उसको मेरे फुटस्टेप्स ना आए। तो दिमाग देख रहे हो, दिमाग किस तरह का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैं इस घर के अंदर आ गया, मतलब थोड़ी देर तक तो वो बंदा कन्फ्यूज था, ठीक है, लेकिन बाद में उस बंदे को पूरा पता चल गया कि मैं क्लोज आ चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि वो बंदा अभी भी कन्फ्यूज है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ चुपचाप बैठा हूँ, मुझे लगा रश करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से मार देंगे, ठीक है, क्योंकि वो बंदा वहीं पर TPP ले रहा है अभी भी। अब वो बंदा नेट कुक करेगा भाई, नेड उसने बिल्कुल यहीं पे मारा, मुझे लगा ना कि वो नेड आगे फेंकने के लिए कुक कर रहा है, लेकिन भाई वो बंदा, उसको पता चल चुका था कि मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, ठीक है। तो किस्मत यहाँ पे बहुत सही थी। अब भाई ये नेड देखो तुम, नेड गलत हो गया, वो बंदा मतलब इसके अंदर घुसा हुआ था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा नेड कुक करूँगा, उतनी देर में वो बंदा सामने आ गया था भाई, यहाँ पे भी भाई मैं बच गया, मतलब जितनी देर में मैं नीचे पहुँचा वो बंदा आ चुका था दूसरे वाले कमरे में। तो देखो भाई इस बंदे के साथ थोड़ी देर नेड वेड खेलते हैं, लेकिन भाई हमारी फ़ाइट नहीं हो पाती। अब जोन आ चुका था एंड मैं सोचता हूँ कि भाई फ़ाइट रहने दो यार, क्योंकि जोन, ये डेथ जोन है, बहुत ज़्यादा मतलब वो करेगा, हमारा ब्लीड आउट करेगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ एंड ये बंदा देखा तो उन्हें पैदल भाग रहा बेचारा, इसके पास गाड़ी भी नहीं थी, मतलब इसको मैंने इग्नोर किया अभी फिर से, लेकिन इसको आगे चल के फेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, बग्गी अपनी लगा देता हूँ साइड में, क्योंकि इस बंदे को मारना था। तो ये बंदा ये जोन में आते आते भाई किसी को मार रहा था, वही बंदा था तुमने देखा सिल्क गेमिंग करके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आके मैं लेट जाता हूँ, 8 बंदे बचे हुए हैं एंड मेरे 3 किल्स हैं, ठीक है। तो मैंने बोला था कि भाई उतने ज़्यादा किल्स मेरे हैं नहीं, लेकिन भाई प्लस अच्छा मिलेगा, वो तुमको लास्ट में चल के पता चलेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखना यहाँ पे आके लेट जाऊँगा, क्योंकि भाई 6 बंदे फाइट हो ही रही है एंड मेरे आसपास, मैं पहले तो कन्फर्म कर लो कि भाई आसपास तुम्हारे कोई है नहीं, ठीक है। मैंने भी वही किया, मेरे आसपास कोई था नहीं। अब मुझे आ जाते भाई राइट से एक फुटस्टेप्स, तो भाई इस बंदे को भी हमने यहाँ पे मार दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने तुमको बोला कि भाई उतनी अच्छे बंदे नहीं थे, मतलब नॉर्मल प्लेयर्स थे, मतलब एवरेज प्लेयर्स, ठीक है, नोब तो नहीं बोल सकते, ठीक है, एवरेज प्लेयर्स, एवरेज रैंक पुशर्स, ठीक है। तो ठीक है, इसमें अब देखना क्या होता है। तो ठीक है, अब देखो 3 बंदे बचे हैं एंड
सामने फाइट होगी एंड जिद बंदे ने मतलब टीम पीस वाले बंदे को मार दिया, ठीक है। तो अब उसको पता है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे फाइट की थी, ठीक है। तो उसको भी पता है मेरी लोकेशन है, मुझे तो उसकी लोकेशन पता ही है, मतलब एग्जैक्ट नहीं पता। अब तुमको पता ही है क्या होता है भाई, जब दो बंदे बचे हों तो बमबारी शुरू हो जाएगी, थोड़ी देर तक वही चलेगा। इसमें इस वाली फाइट में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, ये थोड़ी सी लंबी है तो तुम लोग देखना। यही होता है भाई जो मैं बोलता हूँ ना, पेशेंस रखा करो, नहीं रखी बंदे ने। इसको लग रहा था कि भाई इसके पास नेट खत्म है तो ये आराम से पेटी लूट लेगा, ठीक है। तो पेटी भाई लूटने जैसे ही आया हमने इसकी पेटी बना दी, क्योंकि भाई इस बंदे ने बड़े सारे नेड मेरे पे मारे। अब इसके पास नेड्स खत्म हो गए थे, इसने सोचा सामने एक क्रेट पड़ी है उससे नेड्स लूट लेता हूँ। लेकिन भाई जैसे ही ये रेंग रेंग के आ रहा था भाई, दिख गया हमें, हमने पेल दिया, ठीक है। तो यही गलती कर दी यार इस बंदे ने, अगर मतलब समझ लो तुम तो चिकन हो गया हमारा। पाँच किल के साथ चिकन हो गया। तुमको दिखाता हूँ अभी प्लस कितना मिला है, तो अभी दिखाता हूँ तुमको कितना प्लस हुआ है। केडी वेडी मत देखना भाई, उसके लग चुके हैं, ठीक है। तो ये देखो 28 प्लस हुआ है, मतलब एक क्या बोल रहा हूँ, पाँच किल के साथ चिकन डिनर हुआ है। 28 प्लस कम नहीं होता, ठीक है, काफ़ी प्लस हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी बात के लिए भाई लाइक कर दो एंड चैनल पे पहली बार यार सब्सक्राइब भी मार देना अपने भाई, 30,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो फटाफट कंप्लीट करवा दो यार, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। कोई दिक्कत हो तुम लोगों को गेम प्ले से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड फॉलो करने का मन करे तो भाई फॉलो भी कर सकते हो, मैं मस्त मस्त वीडियोस वहाँ पे भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो वो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।